और आपको बताएं कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य के जिला और अनुमंडल अदालतों में सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इसके लिए जैप आईटी की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। 28 दिसंबर को इसका तकनीकी बीड खोला जाएगा। जनवरी तक इसमें चयनित एजेंसी को कार्यादेश दे दिया जाएगा, जिसमें कोर्ट रूम के बाहर अदालत परिसर में हाई क्वालिटी वाले सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सीसीटीवी कैमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होगी। हाईकोर्ट के अलावा राज्य के सभी निचली अदालतों के कार्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अदालतों के कार्यालय में लगे कैमरों की मॉनिटरिंग अदालत करेगी, जबकि बाहरी क्षेत्र के कैमरे की मॉनिटरिंग पुलिस प्रशासन करेगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे सहयोगी आदिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, अब अदालतों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी पहल इसे कही जा सकती है, क्योंकि अब सीसीटीवी कैमरे ही सिर्फ नहीं लगेंगे, डिटेक्टर भी लगाए जाएंगे, ताकि जो मेटल डिटेक्टर होंगे, सीसीटीवी कैमरे होंगे, वो कोर्ट की सिक्योरिटी को इनहेंस करेंगे। जी, दरअसल आरती, ये कोर्ट में पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, इसमें हत्याएं तक होती रही हैं। कोर्ट परिसर में अपराधी मुजरिमों को हत्या भी करते हैं। इस पर 2 साल से हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। हाईकोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार से कहा था कि कोर्ट की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या करिए। इस पर राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने प्रस्ताव मांगा था। इस प्रस्ताव में राज्य सरकार ने कहा कि सभी झारखंड में जितने भी अदालतें हैं, सभी कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे और भी आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, ताकि कोर्ट की परिसर की जो सुरक्षा है वो पुख्ता हो सके। तो इस मामले में अब मामला आगे बढ़ गया है। जैप आईटी ने निविदा भी निकाल दी है। अब जनवरी माह में जितने भी अदालतें हैं, तो वो निचली अदालत हो, चाहे जिला की अदालत हो या हाईकोर्ट हो, सब जगह सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर लग जाएंगे। तो कोर्ट परिसर में, कोर्ट रूम में जो कैमरे लगेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, उसमें रिकॉर्डिंग की भी, वॉइस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा होगी। तो उसकी मॉनिटरिंग कोर्ट के जिम्मे होगी, कोर्ट ही उसकी मॉनिटरिंग करेगी। अब कोर्ट परिसर के बाहर जो कोर्ट रूम के बाहर जो कैमरे लगेंगे, उसकी मॉनिटरिंग जो है वो स्थानीय पुलिस करेगी। जी आरती, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आदिल आपका। तो 28 दिसंबर को इसके लिए तकनीकी बीट खोला जाएगा। तो अदालतों की सुरक्षा को लेकर अब हाईकोर्ट गंभीर है और इसी को लेकर ये तैयारियां। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।